तो ये हम लोग जो समझ रहे हैं टच के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन में टच की जो फिटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो पहला तरीका होता है कि पहला कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जैसे ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में टच का पत्ता अलग से है। कैसा है? टच का पत्ता अलग है और डिस्प्ले का पत्ता अलग है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें टच का पत्ता अलग होता है, उसका जो टच का सर्किट होता है पूरा अलग से डिजाइन होता है, जिसमें से क्या होता है कि पूरा काम्बो लगा होता है। क्या लगा होता है? काम्बो लगा होता है। काम्बो और टच नहीं होती तो वो फिर डिस्प्ले के अंदर जो पिने होती हैं यहीं से टच की सप्लाई जाती है। जो मैंने हाँ डिस्प्ले टच एक साथ इनबिल्ट होती है। अब अगर ऐसी कंडीशन में अगर टच काम करना बंद कर देता है तो टच मार्केट में जब है ही नहीं तो मार्केट में आएगा कहाँ से? तो ऐसी सिचुएशन पर आपको पूरा काम्बो ही लाना पड़ता है, काम्बो ही लगाना पड़ता है, जिसमें टच अलग से आती है तो आप टच अलग से चेंज कर सकते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें कॉम्बो काम नहीं चलेगा, हाँ खराब हो गई, इसमें खराब हो गई तो ठीक है। आप देखो टच टच की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग रिपेयर कैसे करते हैं उसका तरीका हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कोई भी फोन आए टच की समस्या आती है तो पहले टच स्क्रीन को चेंज कर दीजिए। जब टच स्क्रीन चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोस्टली टच के खराबी टूटने से, डैमेज होने से, क्रैक होने से ऐसी खराबी आती है। टच खराब हो जाए तो टच को आप चेंज कर दीजिए। टच चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है फिर भी नहीं काम कर रही, फिर उसका सर्किट चेक करने की जरूरत है। टच को काम करने के लिए जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन में टच को काम करने के लिए सबसे पहली सप्लाई आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वीरेक सप्लाई। ये वीरेक सप्लाई जो होती है पावर आईसी के माध्यम आती है, मतलब पावर आईसी के माध्यम से टच को काम करने के लिए रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कैपेसिटर से होते हुए डायोड से होते हुए सप्लाई आती है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में ऐसे कुछ टेस्ट पॉइंट भी दिए होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हाँ टेस्ट पॉइंट या टीपी पॉइंट कह सकते हैं। तो अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आती या कई बार जैक अगर गल जाता है, ऐसे पिनों में कार्बन आ जाता है या जैक चेंज करते समय पिने उखड़ जाती हैं, तो आप सर्किट से देख करके यहाँ से उठा करके यहाँ पर जम्पर मार सकते हैं। या अगर टच सही है और फिर भी नहीं काम कर रही है, जैक भी सही है फिर भी नहीं काम कर रही, तो फिर आपको इसकी जो लाइन है इसकी पूरी लाइन को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो टच को काम करने के लिए पहली बात तो आप वोल्टेज लाइन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? वोल्टेज लाइन। क्योंकि जब तक पावर आईसी के माध्यम से इसको वीरेक सप्लाई नहीं आएगी तब तक टच एक्टिव नहीं होगी। जब टच एक्टिव हो जाएगी काम करेगी, टच के अंदर एक आईसी लगी होती है, उसके बाद फिर सीपीयू से हमारे इसके अंदर सिग्नल आता है जिसको हम बोलते हैं एसडीए और डाटा सीरियल क्लाउड। यहाँ से सिग्नल आता है, ये सिग्नल के माध्यम से हमारी टच काम करती है। तो पहली पहली चीज तो आप इसको चेक करते हैं, जब ये पिन सही है उसके बाद फिर भी नहीं काम करती तो आप इसके डाटा क्लॉक लाइन को चेक करते हैं। डाटा क्लॉक लाइन में सिंपली ऐसे एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, डायोड भी लगे होते हैं और डाटा क्लॉक के लाइन में पावर आईसी के माध्यम से 2 किलो ओम सप्लाई लगा करके पुलअप भी किया जाता है। पुलअप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इसमें वोल्टेज दिए जाते हैं, जैसे सीपीयू के अंदर से मान लिया डाटा डाटा सिग्नल सीपीयू के माध्यम से यहाँ से डाटा सिग्नल आ रहा है। जब डाटा सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पर जो पुलअप के वोल्टेज दिए जाते हैं ये समथिंग 1.8 वोल्टेज दिए जाते हैं। जब मान लिया डाटा अगर स्लो हो जाएगा तो पुलअप वोल्टेज आने की वजह से डाटा की फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाटा फास्ट हो जाता है जिससे हमारे टच काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर ये पुलअप के रेजिस्टेंस होते हैं खराब हो जाते हैं तो इसकी वजह से टच में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत टच अटक अटक चलती है। सर जी एक बार क्लिक कर दिए 2 मिनट बाद काम, हाँ 2 मिनट काम करेगी, हाँ इसलिए उसके सिग्नल की प्रोसेसिंग कैसी हो जाती है, स्लो हो जाती है। अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम आती है तो ये पुलअप के रेजिस्टेंस खराब हो जाते हैं। डाटा क्लॉक के लाइन में पुलअप के रेजिस्टेंस इसीलिए जाते हैं जिससे सिग्नल फास्ट रहे और टच फास्टली काम करें। तो आप इसको डाटा क्लॉक लाइन को चेक कर लेंगे प्लस पुलअप लाइन को चेक कर लेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर टच काम नहीं करता फिर टच के अंदर इनेबल लाइन को चेक करते हैं और रीसेट सिग्नल होता है इसको चेक करते हैं। ये इनेबल सप्लाई काम करती है, जैसे आप इसको टच आपने देखा होगा ऐसे क्लिक करते हैं टच काम हो जाता है, किसी फंक्शन को सिलेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन पर ये लाइन काम करती है। रीसेट जो होती है, जो हमारी टच की सप्लाई जो होती है उसको क्या काम करती है, रीसेट कराती है। रीसेट हमारा सिग्नल होता है जो सीपीयू के माध्यम से आता है, तो हम लोग इस लाइन को चेक करते हैं। तो टच में अगर इनमें से कोई भी एक लाइन खराब हो जाएगी कुल मिला करके तो टच काम करना बंद कर देगी। लेकिन जो चेक करने का सिक्वेंस है, पहले आप टच को साफ सुफ करें, जैक साफ सुफ करें, टच को बदल दें, टच बदलने के बावजूद भी नहीं काम होता तो टच का सबसे पहली बार वोल्टेज लाइन चेक करें। क्या चेक करें? जब उसको वोल्टेज मिलेगा तभी काम करेगी। फिर उसके बाद डाटा क्लॉक लाइन को चेक करेंगे, डाटा क्लॉक के बाद रीसेट और इनेबल लाइन को चेक करेंगे।
तब आपके मोबाइल फोन में टच का सर्किट ओके होगा, टच काम करेगा। अगर ये सब कुछ करने के बाद अगर फिर भी आपके मोबाइल फोन में टच नहीं काम करता, अगर आपने इसने सारा सब कुछ कर लिया उसके बावजूद भी काम नहीं करा, फिर हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। जैसे सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे तो सीपीयू रिवॉल्व करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हमने टच को मतलब सारा सर्किट हमारा टच का ओके है, टच का सारा सर्किट काम कर रहा है तो पूरा लाइनें काम करे, अगर उसके बावजूद भी नहीं काम नहीं करता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सीपीयू आईसी को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे सीपीयू आईसी को रिवॉल्व करेंगे तो सीपीयू आईसी को रिवॉल्व करने से हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है और टच काम करना चालू हो जाती है। ये तो जो मैंने आपको टच का सर्किट बताया जिसमें टच अलग से लगी होती है, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें से टच के लिए क्या होता है, टच डिस्प्ले एक ही में इनबिल्ट होती है। जिसमें टच डिस्प्ले एक ही में इनबिल्ट होती है उसमें क्या रहता है, सेम लाइनें वही होती हैं, बस सिर्फ उसकी सप्लाई, जैसे मान लीजिए बाकी पीने होंगी एलसीडी का काम करेंगे और इसकी 6-7-8 पीने जो होंगी वो टच का काम करेंगे। तो सबसे पहली बार इसमें भी काम करने के लिए हमको वोल्टेज चाहिए होता है, जब वोल्टेज आ जाएगा तो वोल्टेज आने के बाद सेम इसमें भी डाटा क्लॉक की लाइनें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अलग वोल्टेज होता है और क्या, सबके वीरे क्यों, इसीलिए तो वीरे अलग अलग सप्लाई निकलती है, इसीलिए अलग अलग वीडेक होता है, अलग अलग एलडी होते हैं, तो ये सप्लाई निकलती है जिससे हमारी टच काम करेगी। इसको काम करने के लिए 1.8 से लेकर 2.8 तक कुछ टच ऐसी हो तो 1.8 पे काम करती है, कुछ टच होती है 2.8 पे काम करती है। अलग पिन मतलब मैं समझाई, कॉम्बो में अलग पिन पे आएगा ये वाला भी काम, एलसीडी का पिन है डिस्प्ले कनेक्टर पे, अलग किसी और पिन पे आएगा ना जिस पे उसका वीरा आ रहा है उसमें जैसे अटके आएगा। अरे तो इसका अलग होता है, उसका अलग, उसकी सप्लाई ही पूरी अलग है। हाँ हाँ, बस खाली ये समझ लीजिए कि ये पूरा कनेक्शन एक साथ बना दिया गया है, बस खाली ये कनेक्शन उसका अलग कर देंगे, इसका कनेक्शन वो एक साथ इसलिए बना गया कि एक साथ डिजाइन है इसलिए, लेकिन सर्किट तो अलग अलग होता है ना, इसलिए सेम इसमें भी वही लाइनें होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार सर्किट खोलते हैं, सर्किट के माध्यम से मैं इसको तुमको वॉश कराता हूँ। लैपटॉप दीजिए, लाओ इधर। Thank you.